हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि बैंक अकाउंट से जो हम रिसिप्ट वाउचर में जो एंट्री करते हैं, रिसीव करते हैं कैश, वो बैंक अकाउंट से कैसे पेमेंट किया जाएगा और बैंक अकाउंट का लेजर भी बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ चेक प्रिंटिंग वाला ऑप्शन उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए आइए टेली ERP 9 ओपन करते हैं। यहाँ से हम एस्केप बटन प्रेस करके और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। यहाँ पर हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और पुराना जो वीडियो आपने देखा था रिसिप्ट वाउचर से रिलेटेड, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, चूंकि आपको पता है कि क्रेडिट में हमेशा हम डेटर पार्टी को यहाँ पे लेजर उसका इंसर्ट करते हैं, तो ये डेटर पार्टी का लेजर हमने इंसर्ट किया। और कितना रुपए, देखिए पिछली बार 60,000 कुछ रुपए, 61,000 के आसपास था ये, और अब ये घट करके 55,477 रुपए 46 पैसे आ गया। पिछली वीडियो जब आपने देखी होगी तो इसमें अमाउंट 5,000 प्लस करके आता होगा, ठीक है। अभी 5,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिए थे, अब हम यहाँ पर 40,000 रुपए पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 रुपए हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, यानी चेक के थ्रू। तो ये हो गया 40,000 रुपया, इसको हम पेमेंट करेंगे। और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, बिल वाइज डिटेल को मैंने चालू रखा है जिसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पर ये वाला बिल जो है इस बार हम भुगतान करेंगे। तो ये देखिए 47,000 रुपए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, पेंडिंग बिल, इसको हम भुगतान करने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो गया और यहाँ पर कैश आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कैश नहीं रखना, हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट का लेजर लगाना है। तो लेजर यहीं पर मैं बना करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। Alt के साथ C प्रेस कीजिए, जैसे ही C प्रेस करेंगे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारा अकाउंट जो है SBI में है, तो SBI बैंक मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसी नाम से मैं लेजर बना रहा हूँ। और ये जाएगा बैंक अकाउंट में, बी प्रेस करेंगे और यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन आपको अगर चालू करना है तो यहाँ पर F12 की प्रेस करके और इस तरह से यहाँ पे आप चालू कर सकते हैं ये ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे प्रोवाइड एडवांस इन्फॉर्मेशन इन मास्टर, तो इसको मैंने यस रखा हुआ है। प्रोवाइड एलियाज अलॉन्ग विथ नेम, तो इसको भी मैंने यस रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट, तो इसको भी मैंने यस रखा है। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, यहाँ से F12 की प्रेस करके इन सारी चीजों को चालू रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैंक अकाउंट की डिटेल दिख रही है ये सब आपको दिखने लग जाएंगी। चलिए आइए, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम आपको दिख रहा है अनिल एंड सन्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। और IFSC कोड क्या होता है, हर एक ब्रांच का अपना एक अलग से IFSC कोड होता है, वो आपको ब्रांच से मिल जाता है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल आप इस तरह का कोई भी IFSC कोड डाल लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर ब्रांच का नेम आ रहा है, तो जो भी आपका ब्रांच का नेम है, जैसे मेरे ब्रांच का नाम है देवरिया, तो यहाँ देवरिया मैंने डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर चेकबुक की कॉन्फिगरेशन सेट करनी है, यस प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस नंबर से आपका चेकबुक स्टार्ट हो रहा है, 1 2 7 8, ये हो गया 4 5 6, ये मैंने दे दिया, ये भी 6 डिजिट का होना चाहिए, यहां से यस किया। तो ये देख सकते हैं ये भी मैंने डाल दिया है, और चेकबुक पे जो नेम है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अनिल एंड सन्स, इसी नाम से हमारा अकाउंट है। तो ये पे हैं, तो यहाँ पे सन्स लिखना है आपको, अनिल एंड सन्स, तो ये आ गया, एंटर प्रेस किया हमने। और भी कोई डिटेल हो तो दे सकते हैं। प्रिंटिंग का कॉन्फिग्रेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर SBI बैंक आ रहा है और यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, मेरा एड्रेस जो है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पर आपका कंट्री, स्टेट और यहाँ पे पिन कोड, तो जो भी पिन कोड है वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर जी एक्सेप्ट करा लिया इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब बैंक से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले हम कैश पेमेंट किया करते थे, अब बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट कराया। अब इसका अगर हमें प्रिंट निकालना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे दो बार डी प्रेस कीजिए और जो हमने पेमेंट किया है 40,000 रुपए का वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसको। अब अगर इसको प्रिंट निकालना हो तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, ये प्रिंट होने लगेगा। यहाँ पर मैं बैंक लिख देता हूँ और इसी के नाम से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये सेव होने लगा है। अब चलते हैं इसको देखते हैं
कि हमारा प्रिंट कैसा आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये चेक से पेमेंट किया गया है और ये पेमेंट जो है इस तरह से निकला है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो प्रिंट करने के बाद जो हमारा वाउचर है वो है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि कैसे चेक से पेमेंट करते हैं। इसके पहले मैंने कैश पेमेंट करने का वीडियो बनाया था और चूंकि रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो को शेयर भी करें ताकि फ्री में ये वीडियो सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।